आज की इस वीडियो में देखेंगे एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये एमएस वर्ड में ऑप्शन रहता है रेफरेंसेस के टेबल ऑफ कंटेंट्स ब्लॉक में। तो फ्रेंड्स, ये होता क्या है, जब आप कभी कोई बुक पढ़ते हैं उस पर जितनी भी हेडिंग्स रहती हैं, जितने भी मेन टॉपिक रहते हैं आपके बुक के बारे में, उसमें जो टॉपिक रहता है वो किस पेज में कौन सा टॉपिक है, ये डिफाइन करता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो फ्रेंड्स, ये बुक लिखने के बाद अगर आप जब भी चाहें तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने सबसे पहले कुछ यहाँ पे टॉपिक्स लिख दिए हैं। कहने का मतलब ये, कंप्यूटर और इंडिया के बारे में हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो कंप्यूटर और इंडिया को हम हेडिंग में रखेंगे, एंड जो उनके अलावा और क्वालिटीज़ हैं, प्राइसेस हैं, रिव्यूज़ हैं, जो अदर सब सेक्शंस हैं, हम उनको डिफाइन करेंगे किस पेज नंबर में कहाँ पे है। इसे हम जनरली इंडेक्स भी बोला करते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ये जो होम टैब रहता है, इसमें स्टाइल्स का यूज आप करते हैं डायरेक्ट कोई भी स्टाइल आपके पैराग्राफ को देने के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाइस, किस तरह से आप इसका यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेडिंग वन, हेडिंग टू यहाँ पे लिखा है, तो किस तरह से हम इनका यूज करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स में। आपको यहाँ पे जो भी आपका मेन रहे हेडिंग, जैसे कंप्यूटर है और इंडिया है, ये हमारी हेडिंग रहेंगी, तो हम इन्हें हेडिंग फर्स्ट दे देंगे। एंड गाइज, अगर आप चाहें हेडिंग फर्स्ट देंगे आप इधर, तो जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई दूसरी फॉर्मेटिंग देना, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसे मॉडिफाई करना है, और जो भी फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज आपको रखना हो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे आप बोल्ड करेंगे, एंड फॉन्ट का कलर अगर आपको ऑटोमेटिक ब्लैक रखना है वो रख सकते हैं, और जो भी आपको यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टाइप चाहिए आप वो कर सकते हैं। टाइम्स नॉर्मल चलिए हम ले लेते हैं, आपको यहाँ पे जाके ओके पे क्लिक कर देना है, तो ये अपने से अप्लाई हो जाएगा। एंड गाइज, जो इनके अलावा सब हेडिंग हैं, जो और हेडिंग्स हैं आपकी, बोले तो इनके बारे में, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसे लिखते हैं वंडर ऑफ साइंस, देन उसके बाद आप उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और ऐसी सारी चीज़ें, तो आपको इन्हें सेलेक्ट कर लेना है, ये आपके सब टॉपिक्स हो जाएंगे। कहने का मतलब, तो आप इन्हें सेलेक्ट करिए जितने भी हों, और आप इन्हें हेडिंग सिकंड दे दीजिए। एंड चलिए फ्रेंड्स, अपने पास आप ये देख पा रहे होंगे स्टेटस बार पे है, दो पेजेस हमने लिए हैं, तो चलिए हम एक पेज तीन पे कर लेते हैं। यहाँ से हम जाके पेज ब्रेक कंट्रोल के साथ इंटर से हम कर सकते हैं। देन गाइज, ये करने के बाद अगर आप चाहें टेबल ऑफ कंटेंट को, मीन्स इंडेक्स को, फर्स्ट वाले पेज पे पेस्ट करना लाना, तो गाइज आपको फर्स्ट वाले पेज पे कर्सर ले जाना है, एंड आपको जाना है रेफरेंस पे, रेफरेंस टैब पे। इसका एक ब्लॉक रहता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, आपको वहाँ पे जाना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो डाउन एरो है आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ऑटोमेटिक टेबल है आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप चाहें आप वो ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन रहेंगे, इनके बारे में विस्तार चर्चा हम बाद में करेंगे गाइस। आज की इस वीडियो हम देखेंगे किस तरह से आप बेसिक तरीके से कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं गाइस, तो आपके सामने ये देखिए आ जाएगा कि कौन सा कंटेंट किस वाले पेज पे है। तो आप ये देख पा रहे हो गाइस, कुछ आपके कंटेंट सेकंड टू थर्ड पे है। अगर आप चाहें एक हम एक्स्ट्रा पेज लेते हैं, जैसे थर्ड पेज है, हम फोर्थ पेज लेते हैं, और वहां से हम कोई भी कंटेंट उठा के पेस्ट कर देंगे नेक्स्ट वाले, मीन्स पेज फोर पे। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील्स हैं, हम इसे यहाँ से कट किए और फोर्थ में पेस्ट कर दिए, तो यहाँ पे पेज नंबर अपडेट हो जाएगा गाइज। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स लिखा है और ये स्मॉल में है गाइज, हम इसे कैपिटल में अगर कर दें और स्पेलिंग अगर मिस्टेक करते हैं कुछ इस तरह से, तो देखिएगा सारे के सारे वहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। कहने का मतलब ये, आप कोई भी अगर चेंजेस यहाँ करते हैं तो सारे के सारे आप जब भी चाहें टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको अपडेट टेबल का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आपको केवल पेज नंबर करना है अपडेट या सारी आपकी टेबल ही करनी है, मीन्स सारा का सारा जितना पेज है टेबल ऑफ कंटेंट है वही आपको अपडेट करना है। तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, क्योंकि हमने इससे पहले चेंज किया है, एक नाम भी चेंज किया है, पेज तो चेंज है ही। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका कुछ कंटेंट जो है वो आपका फोर्थ पेज पे है, और ये जो आपने अभी चेंज किया था डिस्ट्रिक्ट्स का वो कुछ इस तरह से चेंज हो गया है।
तो उम्मीद है गाइस कि मैं आपको समझा पाया होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है एमएस वर्ड में, इसके बारे में किस तरह से काफी अच्छी तरीके से इसका यूज होता है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे गाइस। थैंक्स लॉट गाइस। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे जाना हो गाइस, ये मैं कहना बताना भूल गया था, तो आपको कंट्रोल के साथ उस वाले पेज पे या उस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे गाइस। जैसे ये देखिए तो ओके गाइस, थैंक्स लॉट फाइनली।